गुड मॉर्निंग. टुडे इज 13 सितंबर 2018 और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू. और देखिए, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ रहेगी वो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम के ऊपर जाकर के सर्च कीजिए उड़ान एजुकेशन हब, तो आपको हमारे चैनल का ये यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी. या फिर हमारा जो फेसबुक का पेज है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो आपको हमारा उड़ान का नाम से ये पेज मिल जाएगा. आप इस पेज को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी. और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हाल ही के अंदर कैशलेस फर्म पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने ई रायथु लॉन्च किया गया है. ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा. ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर किसके द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है. तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे एक जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम इन्होंने बोला है कि ई रायथु, ठीक है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है. अब ये जो ई रायथु है ये है क्या, देखिए ये तेलुगु के अंदर है कि ई किसान, यानी कि यहाँ पे ई किसान इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक छोटे पैमाने के ऊपर किसानों को एक उचित मूल्य पर और उनके जो भी उत्पादन होगा उनके अंदर उसकी जो क्षमता रहेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इस ई किसान के माध्यम से. उनको बीज कैसा होना चाहिए, कैसी फसल होनी चाहिए, हर तरह की यहाँ पे जानकारी दी जाएगी इस ऐप के द्वारा. ठीक है, और ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा. तो अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है. तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है चंद्रबाबू नायडू. ठीक है, तस्वीर के अंदर देखिए यही है हमारे यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये ई किसान लॉन्च किया गया है. ठीक है, चलते हैं आगे. हाल ही में HDFC लाइफ ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है. तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे किया गया है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा. ठीक है, यानी कि विभा पडलकर इनको यहाँ पे HDFC लाइफ ने, इमेज के अंदर देखिए यही है यहाँ पे विभा पलटकर, इनको यहाँ पे 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने नए प्रबंधक निदेशक यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है. ठीक है, और ये पद जो था पहले अमिताभ चौधरी का था, जो कि अब एक्सिस बैंक के प्रमुख हो गए हैं. और उनके एक्सिस बैंक के प्रमुख हो जाने की वजह से यहाँ पे HDFC लाइफ से इस्तीफा देने के बाद ये जो स्थान था वो खाली हो गया था. ठीक है, और जिसकी जगह पे यहाँ पे विभा पलटकर ने ले ली है. ठीक है, चलते हैं आगे. हाल ही में सुशासन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है. तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये हुआ है यहाँ पे भोपाल के अंदर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा. ये यहाँ पे एक गुड गवर्नेंस लाने के लिए यहाँ पे एक जो रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस थी उसको आयोजित किया गया था. और यहाँ पे बोला गया था कि जो भी प्रशासनिक सुधार है और जो लोक शिकायत है विभाग है उसके द्वारा यहाँ पे भारत सरकार को यहाँ पे जताने के लिए या फिर बताने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल के अंदर 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक सुशासन आयोजित किया था, जो कि एक 2 दिवसीय क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है. ठीक है, चलते हैं आगे. हाल ही में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जिसको हम बोल रहे हैं वोस्टोक 2018 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है. तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा. यही है यहाँ पे वोस्टोक 2018. ठीक है, और ये अब कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कितने सैनिक कहाँ से आए हैं, वो सब डिटेल देखिए हमारी इसके अंदर. ठीक है, देखिए यहाँ पे रसिया ने कम से कम भी 3 लाख अपने जो जवान हैं वो भेजे गए हैं इसके द्वारा, इसके अंदर रहेंगे. ठीक है, और जो चाइना की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी अपने कम से कम भी 3200 सैनिक बहुत सारे वाहनों के साथ में, व्हीकल्स के साथ में यहाँ पे भेजे गए हैं. ठीक है, ये यहाँ पे रूस के जो पूर्वी साइबेरिया है उसके अंदर ये सभी सैनिक यहाँ पे जमा हुए हैं. और जो वोस्टोक 2018 है ये यहाँ पे शुरू किया गया है, और चीन की भी भागीदारी जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से रही है. अब यहाँ पे फ्रांस का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि यानी कि रूस की जो राजधानी है वो कौन सी है. तो यह मॉस्को.
हमें इनकी मुद्रा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इनकी मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं आगे। हाल ही में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ में किस राज्य ने AMU के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किए गए हैं यहाँ पे हरियाणा ने। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हरियाणा ने यहाँ पे जो इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में पानीपत के अंदर 900 करोड़ रुपए से भी अधिक का एक व्यय सात के अंदर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, और इसी के ऊपर यहाँ पे प्रतिदिन 100 किलोलीटर इथेनॉल यहाँ पे बनाने की क्षमता जो है की जा रही है। अब हरियाणा का नाम आया तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में रेल सहयोग वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यही है यहाँ पे पीयूष गोयल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रेलवे और कोयला मंत्री जो पीयूष गोयल है, एक जो वेब है यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेल सहयोग, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि जो भी सस्टेनेबल जरूरी चीज़ें होगी ट्रेन के अंदर वो यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से इनको सहयोग बोला गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है अश्विनी लोहानी। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त अभ्यास या जिसको हम बोल रहे हैं कि युद्ध अभ्यास 2018 कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में रहेगा, जिसका नाम है इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कि युद्ध अभ्यास या फिर वॉर प्रैक्टिस 2018। ये यहाँ पे भारत और यूएसए के बीच में शुरू होगा, जो कि उत्तराखंड के अंदर शुरू होगा। ठीक है, जो ये हिमालय की जो तलहटी है उसके अंदर, और कब से कब तक होगा? तो ये 16 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो परीक्षण वगैरह है वो इन सभी दोनों कंट्रीज के जवान जो है इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये इस तरह का कितने नंबर वा यहाँ पे अभ्यास है, तो ये 14th है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में इंटेल और TIFR ने ICTAI के लिए मॉडल इंटरनेशनल सेंटर के लिए किसने सहयोग किया है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नीति आयोग ने यहाँ पे इंटेल और TIFR, ठीक है, TIFR है क्या? देखिए यहाँ पे यह है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और यहाँ पे जो एक और टर्म आई है ICTAI, ये यहाँ पे क्या है? तो ये यह है यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे सहयोग किया गया है। ठीक है, और किसने सहयोग किया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर और परीक्षण के अंदर यहाँ पे जो चेंज है वो आएगा, और हमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिल पाएगा। ठीक है, अब नीति आयोग का नाम आया है तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसको रिप्लेस करके बनाया गया है? तो ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसको रिप्लेस करके बनाया गया है। इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं कौन है? तो इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। इसके उप अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो कौन है? राजीव कुमार। इसके यहाँ पे CEO के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है तो वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं आगे। हाल ही में बिहार और नेपाल के बीच में बस सेवाओं को ध्वजांकित किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे जो पहली बार बिहार और नेपाल के बीच में बस जो सेवाएं हैं वो शुरू की गई है। नीतीश कुमार ने यहाँ पे पटना से बस सेवा को ध्वजांकित किया है भारत और नेपाल के बीच में समझौते को और भी अच्छा बनाने के लिए। अब यहाँ पे नेपाल का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए नेपाल के बारे में। तो नेपाल के जो यहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है
केपी शर्मा ओली, ठीक है। और नेपाल की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया और राजधानी काठमांडू, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनके अंदर भी इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर आप किस प्रकार का चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।